सपोर्ट में आए हैं, जो लेके यहाँ के लोग जो है एक दिन के अनशन पे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम गौ ध्वज प्रतिष्ठा स्थापना यात्रा में इस समय भारत की यात्रा पर निकले हैं। भारत के सभी प्रदेशों की राजधानी में जाकर के गौ ध्वज की स्थापना कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज लद्दाख की राजधानी लेह में आए और यहाँ पर हमने गौ ध्वजा स्थापित की और अपने लोगों से चर्चा की। इसी बीच में हमको पता चला कि यहाँ पर हजारों लोग उपवास पर बैठे हुए, तो हमने कहा कि ये लोग क्यों उपवास पर बैठे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। तो बताया गया कि अपने पर्यावरण और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ये कुछ मांग कर रहे हैं और उसके लिए सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 1000 किलोमीटर के लगभग की दूरी तय करके वो दिल्ली गए हुए हैं। और दिल्ली में हमारी केंद्र की सरकार ना तो प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री जी ना अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उनसे बात कर रहे हैं, तो ये बात हमको ठीक नहीं लगी। हमको लगा कि भारत में इस तरह से अगर व्यवहार होता रहा तो लोकतंत्र थोड़ा सा कलंकित होगा। भारत के लोगों को अगर कोई शिकायत है तो उसके बारे में उनसे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और सरकार अपनी बात बताए और लोगों को सहमत करे अपनी बात पर। चर्चा करने से होगा, बिना चर्चा के तो होगा नहीं। तो उनको वहाँ पर उपवास पर बैठना पड़ रहा है और उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर उपवास पर बैठे हुए हैं और जिनके सामने उपवास पर हैं वो अपना खा पी के मस्त हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो हमको सहानुभूति हुई आप सब लोगों के साथ, इसीलिए हम वहाँ से चल करके आपके जहाँ उपवास स्थल है वहाँ पर आए और हमने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आपको समर्थन भी व्यक्त किए और स्वयं भी हम समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और सोनम वांगचुक के साथ उनकी अच्छी मांगों के लिए हम समर्थन देंगे। गुरु जी, आप अंदर तक तो आ गए, आप लोगों की काफी उम्मीदें थे कि आप कुछ चंद शब्द जो है लोगों के बीच में आप कहेंगे, तो ये रुकावट किस तरह? मर्यादा है, वो मर्यादा है और कोई बात नहीं। जी जी, पीठ की मर्यादा है। तो जैसे यहाँ उपवास वगैरह आप लोग कर रहे हैं तो चूँकि ये सरकार के अगेंस्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पीठ की मर्यादा है कि ऐसे मंच पे हम नहीं जा सकते, तो मर्यादा की दृष्टि से हम नहीं गए, अन्यथा पूरी तरह से हम गए। की सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं, पूज्य महाराज श्री आपके इस आंदोलन में आपके साथ हैं। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जब श्री सोनम वांगचुक जी यहाँ अनशन पर बैठे थे तो श्री गोपाल दास जी महाराज के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली और महाराज श्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से उनके इस आंदोलन का अपना समर्थन दिया और उनके साथ खड़े रहे। पूज्य महाराज श्री की ये भावना है कि आप जिस मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, जिस मांग को लेकर के आदरणीय सोनम वांगचुक जी यहाँ से पदयात्रा करते हुए दिल्ली तक गए हैं, प्रधानमंत्री जी को तत्काल उनसे बात करनी चाहिए, संवाद आरंभ करना चाहिए। एक तरफा मामला अच्छा नहीं माना जाता, लोकतंत्र की ये विशेषता है कि लोकतंत्र में जब हम अपनी बात उठाते हैं तो जो हमारे प्रशासक हैं उनको हमें उपेक्षित नहीं छोड़ना चाहिए, हमसे संवाद करना चाहिए। पूज्य महाराज श्री ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि आप तत्काल सोनम वांगचुक जी से बात करें, लद्दाख के लोगों से बात करें। उनकी क्या बात है, आप देखिए कि संसार में कितनी भी बड़ी समस्या हो सभी का समाधान संभव है यदि हम संवाद करें। हम संवाद ही नहीं करेंगे तो समाधान नहीं होगा, किसी भी समस्या के समाधान के लिए संवाद आवश्यक है। तो शंकराचार्य जी महाराज ने ये बताया है, देश के प्रधानमंत्री को यहाँ से आकर के उन्होंने कहा है और इस स्थान पर पहुँच के उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है। चूँकि प्रोटोकॉल की कोई बात नहीं, आप तो उनके घर के लोग हैं, आपके बीच आने में उनको प्रसन्नता होती है, आचार्य पद पर होने के कारण वो इस स्थान पर मतलब ऐसे आपके बीच आ चुके हैं और उन्होंने अपना पूरा 100% समर्थन आपको व्यक्त किया है। देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ से उन्होंने संदेश भेजा है कि आप तत्काल इनकी बात को सुनिए और सुन करके समाधान निकालिए, क्योंकि आप बुजुर्ग लोग, आप समाज में काम करने वाले लोग, श्री सोनम वांगचुक जी जिन्होंने देश को समाज को अपने विज्ञान से अपने ज्ञान से कई मार्गदर्शन दिया है, ऐसे पढ़े लिखे लोग यदि परेशान हैं तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने पुनः उनके प्रतिनिधि के माध्यम से अपना समर्थन व्यक्त किया है कि आपके इस समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए। हम आपकी भाषा तो नहीं समझते हैं और हमें शायद अनुमान नहीं है कि आप हमारी बात समझ पाए कि नहीं पाए, क्या आप समझ पाए हमारी बात? जी जी, ठीक है। तो पूज्य महाराज श्री के समर्थन को दोबारा आपके बीच हम अभिव्यक्त करते हैं
और हम भगवान से ये कामना करते हैं, हम जिस परंपरा को मानते हैं उस परंपरा के जो परमेश्वर हैं भगवान बद्री विशाल और जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं उसके विषय में प्रधानमंत्री जी को तत्काल आपसे बात करके इसका समाधान करना चाहिए। आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। और हमने एक वाक्य अभी जो संचालक महोदय थे उनसे सुन लिया था, झूले। हाँ, आप सबको झूले बोल रहा, लोकतंत्र खतरे में है, हम यही बोल रहे हैं। आप अपने देश के अंदर अपने गाड़ी से उतर नहीं पा रहे हैं गुरु जी, यही हमारे लिए बड़े दुख की बात है। और वैसे ही दिल्ली हमारा राजधानी कहते हैं, हमारे राजधानी में भी हमें बाहर निकलने नहीं दे रहे गुरु जी। बट आपने इतने दूर से आके अपना समर्थन यहाँ के लद्दाख के लोगों के लिए रखा, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। पूरे लद्दाख की तरफ से और जितने भी गुरु जी को ये बताना आवश्यक समझता हूँ, यहाँ पे हमारे शाह हो, सुनी हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, यहाँ पे जितने भी सारे हम मिल के ये आंदोलन 3-4 साल से चला रहे हैं गुरु जी। मैं अंत में अपने शब्द को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा कि आप इतने दूर से आए, आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी।